स्वाति मालेवाल से छेड़छाड़ के मुद्दे पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने पूरे मामले को फिल्मी बताया है। ओपी शर्मा के मुताबिक जनता का ध्यान मुद्दों से हटाने के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालेवाल से छेड़छाड़ का मामला अब सियासी तूल पकड़ चुका है। ओपी शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी चूंकि आरोप लगा रही है कि ये पुलिस का और कहें कि एक मोरल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, चूंकि कार्रवाई तो तुरंत हो गई थी। देखिए, जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है, हर नागरिक या चुनाव व्यक्ति ये चाहते हैं कि माँ बहन बेटी सुरक्षित रहें, लेकिन केजरीवाल जी की पार्टी की महिला स्वाति मालीवाल जी जिस प्रकार उकसाने का और इस प्रकार का जो नाटक और नौटंकी का जो फिल्मीकरण कर रहे हैं, उस पूरे के पूरे वीडियो में कहीं इस प्रकार की चीज़ें नज़र आ नहीं रही हैं। 3 बजे कोई महिला खड़ी हो तो कोई भी व्यक्ति उनसे जरूर पूछेगा कि आप क्या कहीं जाना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि सुर्खियां बटोरने के लिए, और दिल्ली पुलिस जिसने त्वरित कार्रवाई की उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करने के लिए, केजरीवाल की सरकार दिल्ली की जनता को बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी दे पाने में पूरी तरह असफल रही है, और इस ओर दिल्ली के लोगों का ध्यान आकर्षित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका इतिहास भी अब स्वाति मालीवाल ने साझा किया है और कहा है कि ये आदमी अच्छा हुआ पकड़ में आ गया, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती थी। पहले भी इसने ऐसे ही महिलाओं को लिफ्ट देने की कोशिश की थी, तो इसकी जो मंशा थी वो तो है ही, जग जाहिर है। देखिए, किसी को लिफ्ट देना तो आईपीसी में कोई अपराध है नहीं। अब पहले से मैं कोई समझ ले कि मुझे लिफ्ट भी देगा और मेरे साथ कुछ इस तरह का कार्रवाई करेगी, तो ये ज्ञान उनको अगर प्राप्त हो रहा है तो इसकी मैं सराहना करता हूँ। ये तो आप उस आदमी को सपोर्ट करता हुआ बोल रहे हैं ओपी जी? नहीं, मैं तो आदमी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं महिला सुरक्षा के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आप किसी को उकसाने की कार्रवाई करके एक फिल्मी वो बनाएं जिससे कि दिल्ली के लोगों का जो जनहित के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। तो ये बीजेपी का औपचारिक वक्तव्य भी कहा जा सकता है। स्वाति मालीवाल का जो प्रकरण हुआ है छेड़छाड़ का, उसे फिल्मी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उकसाने की मंशा और जो जनहित के मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने की मंशा से ये पूरा प्रकरण सामने आया है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष सक्सेना के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।